बताइए ना पिताश्री, उसके पश्चात क्या हुआ? माता! 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 माता, ये क्या कर लिया आपने? आपने अपने पुत्र को एक अवसर तो दिया होता माता, यहाँ इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है और आप सभी शांति से यज्ञ वेदी पर बैठे हैं। कोई बताएगा मुझे हुआ क्या यार? हनकन के आवरण में ये कैसा पाप कर रहे हैं प्रजापति दक्ष? यज्ञ की अग्नि में आहुति देने से पूर्व आपको इस अग्नि को नहीं बुझाना चाहिए था, जिसके कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया है। बस 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 बस, धर्म और अधर्म का भेद तुम्हें क्या ज्ञात दुष्ट बैल? शांत हो जाओ, अन्यथा तुम्हें भी तुम्हारी उदंडता के लिए वही दंड भुगतना पड़ेगा जो तुम्हारी स्वामिनी ने भुगता है। उदंडता का परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा प्रजापति दक्ष। आप अपनी सभी सीमाएं लांघ चुके हैं प्रजापति दक्ष। एक पुत्री पिता के यहां इस प्रकार की यातनाएं सह रही है, अग्नि में भस्म हो गई है और पिता पिता उसकी उदंडता का उल्लेख कर रहा है। कैसे पिता हैं आप? पिता ही नहीं, कैसे पुरुष हैं आप? धिक्कार है आप पर प्रजापति दक्ष, आपको आपके इस अनुचित कार्य के लिए उचित दंड मिलेगा। इन गनों के साथ मेरी ओर बढ़ रहा है, कहीं मुझ पर वार कर मुझे हानि ना पहुंचा दे। आप यज्ञ कीजिए प्रजापति दक्ष, यज्ञ में व्यवधान नहीं आने दूंगा मैं। इन गणों को रोकने का उपाय मैं करूंगा। विभु योद्धा आइए और इस महायज्ञ की रक्षा कीजिए। किसी को भी यज्ञ वेदी के निकट नहीं पहुंचने देंगे ऋषिवर। जाओ मेरे मार्ग से, वध करूंगा मैं प्रजापति दक्ष का, वध। और ये हम कदापि नहीं होने देंगे। योद्धाओं आक्रमण! प्रतिशोध तो मैं लेकर रहूंगा। जाओ मेरे मार्ग से, मैं तुम्हें कदापि आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मेरे बंदी बनोगे तुम। प्रजापति दक्ष को दंडित करने में जो भी मेरे मार्ग में बाधा बनेगा हटा दूंगा उसे अपने मार्ग से। प्रजापति दक्ष अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाइए, अब आप अपनी दुष्टता का परिणाम भुगतेंगे। रक्त बहेगा आपका यहाँ, रक्त।
स्थान पर ये कैसा अनर्थकारी युद्ध छिड़ गया है? महायज्ञ नहीं, महाखंड संपन्न होगा यहाँ। यज्ञ में कोई बाधा नहीं आ सकती, जो बाधा बनेगा उसे रोक देंगे हम। प्रभु, मैं नंदी की सहायता करने के लिए तत्पर हूँ, किंतु मेरे कर्तव्य ने मुझे प्रजापति दक्ष के यज्ञ के प्रति बांध रखा है। आप ही बताइए प्रभु, अब मैं क्या करूं? देवराज इंद्र, जो हुआ वो अनिष्टकारी था, परंतु अब जो होगा वो उससे भी भयंकर होगा। इसे हमारा हस्तक्षेप भी नहीं रोक सकता। प्रजापति दक्ष, तीव्र गति से आपका काल बढ़ आ रहा है आपकी ओर। माता, पिताश्री को अपनी पुत्री को बुलाने के लिए निमंत्रण भेजने की क्या आवश्यकता है? पिताश्री के महायज्ञ में जाना तो पुत्री का कर्तव्य होता है। नंदी जी, मैं पिताश्री माँ और बहनों से भेंट करने के लिए अधीर हो रही हूँ। अब यही प्रतीक्षा कीजिए, मैं भीतर जाती हूँ। मेरी माता के कष्ट का कारण बना, मिटा के रहूंगा उसे। कितने भी प्रयास कर लो, अब आगे नहीं बढ़ सकोगे तुम। अब कोई नहीं रोक सकेगा मुझे। मेरा महायज्ञ तो अवश्य संपन्न होगा। नहीं हटोगे मेरे मार्ग से तो हटा हटोगे मेरे मार्ग से। जापति दक्ष, इसे रोकना ही होगा। अब कुछ नहीं कर सकोगे तुम। अब जो होना है वो होकर ही रहेगा। पीछे हटो, लौट जाओ, आगे नहीं बढ़ सकते तुम। महादेव को देवी सती का ज्ञात होते ही दक्ष प्रजापति के दुर्भाग्य और विनाश का आरंभ होगा। ये यज्ञ भूमि शमशान भूमि में परिवर्तित हो जाएगी। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें और नंदी को तो मैंने सती के साथ भेजा था। माधव, अनिल तो दिया, अनिल तो दिया। माधव, मैं आपकी पत्नी अवश्य हूं, किंतु मैं अपने पिता की पुत्री भी हूं, इसीलिए मैं वहां अवश्य जाऊंगी। जिसे सदैव भूत प्रेत पिशाचों से घिरे रहना प्रिय हो, वो मंगलकारी कैसे हो सकता है? अरे वो तो अमंगलकारी है। मुझे क्षमा कीजिए स्वामी, किंतु आज की ग्लानि के साथ मैं जीवित नहीं रह सकती।
हे योगाग्नि, प्रकट होइए और अपने में समाकर भस्म कर दीजिए मुझे। इतना अपमान, इतना कष्ट झेलना पड़ा सती को। किंतु सती है कहाँ? स्वामी, मैं तो यहाँ हूँ। सती, मुझे ज्ञात था कि तुम यहीं हो। महादेव, महादेव। सती, 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 मैं जानता हूं, मैं जानता हूं तुम यहीं हो। देखो, बाहर आओ। प्रयास मत करो सती, सती। मैं यही हूं नाथ। देखा, मुझे ज्ञात था कि तुम कुशल हो। स्वामी, मैं अपने पिताश्री के यहां जाऊं? नहीं, मैं तुम्हें कदापि वहां नहीं जाने दूंगा। स्वामी, अवश्य जाऊंगी, मुझे जाना ही होगा, आपसे दूर जाना ही होगा। स्वामी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। सती, मुझे क्षमा कर दीजिए नाथ, मैंने आपका कहा नहीं माना, इसलिए अब मुझे ये कष्ट, ये दंड सहना ही होगा, मुझे आपसे दूर जाना ही होगा। स्वामी, सती, 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 वो कहाँ है यहाँ? वो तो चली गई। सती, तुम्हारा सगुण रूप, तुम्हारा शरीर नष्ट हुआ है, किंतु अपने निर्गुण रूप से महाकाली रूप धारण करो। तुम्हारे और मेरे इस घोर अपमान का
प्रतिशोध तुम्हें भी लेना होगा, इसलिए समक्ष आओ महाकाले। विध्वंस कर दो, ऐसा दंड दो दक्षों के दुष्कृत में उसके भागीदार को कि समस्त ब्रह्मांड का बुढ़े, कि समस्त ब्रह्मांड का बुढ़े, कि समस्त ब्रह्मांड का बुढ़े। देवता, गंधार, यक्ष, जो भी उनकी रक्षा में प्रस्तुत हो सबको नष्ट भ्रष्ट कर दो। देवी सती के आत्मदाह का प्रत्यक्ष दर्शी तो ये संसार भी बना है, इसलिए दंड तो संसार को भी मिलेगा। मेरी स्वास्थ्य से उत्पन्न हुए 100 प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात रोग अब सदा संसार में विद्यमान रहकर संहार करते रहेंगे। महादेव, अब हम प्रजापति दक्ष के अंत के पश्चात ही लौटेंगे। महादेव हमें आज्ञा दें। सते सते वीरभद्र और महाकाली के आगमन का सूचक है ये कंपन। महाकाली, किसी बढ़ कर कौन है, महावीर बल को बल देती माता। जय काली, 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 जय काली। वीरभद्र, वीरभद्र, वीरभद्र। अब संहार ही संहार होगा यहाँ। अपने विनाश को आमंत्रित किया है आपने प्रजापति दक्ष। यह है परिणाम महादेव और उनकी पत्नी के अपमान का। जिस स्थान पर देवी सती और महादेव का अपमान हुआ है वो स्थान अब शमशान बनेगा। दोनों तो महासंकट है मेरे लिए। वीरभद्र, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मेरी मंत्र शक्ति तुमको रोकेगी। इन्होंने ही किया है प्रभु, इन्होंने ही इस कार्य की प्रेरणा दी है।
समाप्त कर दीजिए इन्हें प्रभु, समाप्त कर दीजिए। नहीं वीरभद्र, नहीं। नहीं, नहीं। मैं यहाँ सुरक्षित नहीं। कोई मेरे कोप से नहीं बच पाएगा, न यक्ष न गंधर्व और तुम भी दक्ष, तुम भी नहीं। शक्ति का अभिमान स्वयं के लिए भी कष्टदायी हो सकता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।